हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये कुर्ती ली है। इसमें थोड़े थोड़ा वर्क की कढ़ाई दे रखी है, लेकिन इसके साइड में बॉर्डर लेस से एक बॉर्डर तैयार करूँगी जो थोड़ा हैवी गला बनकर तैयार होगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले हम बुकरम लेंगे। आपके पास जो भी बुकरम है वो आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने इसकी लेंथ तैयार करनी है 14 इंच, तो मैं इसको 15 इंच की लेंथ इस बुकरम की मैंने ली है। इसके बाद इसको 1 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, ये 1.25 इंच पर मैं इस तरह से इसमें निशान लगाऊंगी। और 14 इंच की ये लेंथ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, ये 1.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और ऊपर से नीचे तक इसको सीधा इस तरह से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और ये बुकरम और लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी चौड़ाई रख सकते हैं, तो मैंने जितना इसकी चौड़ाई ली है उतना इंच ही ऐसे इस तरह से इस पर शेप बना लेंगे। और नीचे से भी ऐसे ही इस पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बॉर्डर की जो बुकरम है वो कट कर रेडी हो गई है। अब हम इसको एक कपड़े के ऊपर इस तरह से सील लेंगे। मैंने सेम कुर्ती के वाला ही कपड़ा लिया है, उस पर इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई से इसे अटैच करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम अपने इस जैसे हमारे गले की शेप है ऐसे इसे कपड़े के ऊपर पूरा सिल कर रेडी कर लेंगे। अब मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन करते हुए इस कपड़े को अब इसके ऊपर सिल लेंगे। अब हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। कुर्ती के सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। अब हम थोड़ा ऊपर से कपड़ा छोड़ते हुए इसको इस तरह से इस कढ़ाई के साइड से इसे अटैच करते हुए जाएंगे। बिल्कुल कढ़ाई से टच करते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे।
हमारा पैनल ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये जो कढ़ाई का एक फ्लावर है वो इसके अंदर दबा दिया है। इसके ऊपर लैस अटैच हो जाएगी, ये दिखेगा नहीं अलग से। इस तरह से हम पूरे पर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी किनारी पर समोसे वाली लैस अटैच करेंगे। ये गोल्डन कलर के समोसे वाली लैस ली है मैंने क्योंकि इसमें गोल्डन वर्क है। आप अपने जैसे आपका सूट का कलर है वैसे स्पिन ले सकते हैं। इस तरह से इसके किनारे पर भी हम बहुत ही आराम आराम से इसको अटैच करेंगे स्पाई के साथ। जो हमारी अंदर वाली किनारी है अब हम उस पर ये रेड कलर की लैस है मेरे पास वो अटैच करेंगे रेड और गोल्डन। इस तरह से पूरे में हम अपना ये लैस अटैच कर लेंगे। अब हम अपने नेक बनाएंगे यहाँ पे ऊपर की साइड। इस तरह से मैंने अपने गले को इस कपड़े के ऊपर सिलकर रेडी कर लिया। अब हम कुर्ती की सीधी साइड रखेंगे इसको और एक सिलाई से इसे अटैच करेंगे। बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर बुकरम के ऊपर मैं इससे सिलाई लगाऊंगी। आप इस पर किसी भी शेप का गला अटैच कर सकते हैं। मैंने इसमें भी शेप का गला अटैच किया। अब हम गले के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और उसके बाद अपने गले को पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अपने नेक पर एक मोटे पैर चला से सिलाई लगाएंगे जिसके बाद तुरपाई करेंगे। इस तरह से हमारा गला बनकर रेडी हो गया है और ये नेक डिजाइन बहुत ही सुंदर लगा बनने के बाद। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।